साइकोलॉजी की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब में से एक है साइकोलॉजी प्रोफेसर बनना। आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका समझाने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा होगा, या दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना पसंद होगा, या आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइकोलॉजी प्रोफेसर बनने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक साइकोलॉजी प्रोफेसर बन सकते हैं, साइकोलॉजी प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रोफेसर बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने होंगे, और एक अच्छे प्रोफेसर में क्या क्या क्वालिटीज होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी क्लासेस। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। साइकोलॉजी प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि साइकोलॉजी प्रोफेसर में कौन कौन सी तीन मेन रैंक होती हैं। साइकोलॉजी प्रोफेसर की जो तीन मेन रैंक होती हैं, उनमें पहली रैंक है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद दूसरी रैंक है एसोसिएट प्रोफेसर, और तीसरी रैंक है प्रोफेसर। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना होगा, और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए आपको क्लियर करना होगा नेट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट का एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आपने अपने साइकोलॉजी मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स ऑब्टेन किए हों, और अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप एक साइकोलॉजी प्रोफेसर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए साइकोलॉजी में, और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ले आने के बाद आपको कंप्लीट करना होगा अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी, जिसमें आप कर सकते हैं एमएससी या फिर एमए इन साइकोलॉजी, और मास्टर्स में आपको लाने होंगे 55% से ज्यादा मार्क्स, वरना आप नेट एग्जाम में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। तो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप एमफिल कर सकते हैं, और उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ नेट की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी तक तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते थे, और साथ ही साथ पीएचडी कर सकते थे। पर आने वाले कुछ टाइम में यूजीसी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी पूरी होना जरूरी है। खैर, ये तो बात की बात है, आइए अब जान लेते हैं कि एक अच्छा साइकोलॉजी प्रोफेसर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होना बेहद जरूरी है। तो जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है, एक अच्छा साइकोलॉजी प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि आप अपने उस ज्ञान को अपने स्टूडेंट तक पहुंचा पा रहे हैं या फिर नहीं। यानी कि आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो सभी मानसिक स्तर के बच्चों तक आराम से पहुंच पाए, और सभी बौद्धिक स्तर के जो भी बच्चे हैं निचले से लेकर उच्च तक, वो सभी आपकी बात को आसानी से समझ पाए। इसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है वो है फ्रेंडली नेचर। एक स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आज के समय को देखते हुए फ्रेंडली बिहेवियर भी बहुत जरूरी हो गया है। लेक्चर के वक्त या फिर क्लास के वक्त आपका ओवरऑल नेचर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट आपसे कुछ पूछने या फिर क्वेश्चन करने में हिचकिचाए ना। इसके बाद तीसरी क्वालिटी है एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल। साइकोलॉजी में हम कई ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिनकी थ्योरी पढ़कर उसके बारे में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक अच्छे प्रोफेसर को चाहिए कि वो उस टॉपिक को स्टूडेंट को उनकी लाइफ से रिलेट कराकर या फिर एग्जाम्पल देकर समझाए। एग्जाम्पल देकर समझाने से फायदा ये होता है कि याद भी जल्दी हो जाता है, और स्टूडेंट को वो लंबे समय तक याद रहता है। इसके बाद चौथी क्वालिटी है लाइफ की समझ। एक अच्छा प्रोफेसर वही होता है जो स्टूडेंट को उनकी बुक्स की नॉलेज के साथ साथ लाइफ की पहचान भी करा सके, उन्हें बताए कि कैसे वो सिर्फ एजुकेशन की मदद से इस सोसाइटी में एक अच्छा चेंज ला सकते हैं, जिस चेंज की आज की सोसाइटी में हमें बहुत ज्यादा जरूरत भी है, और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ बिहेवियर और ह्यूमैनिटी की भी सीख दे, जिससे कि वो पढ़ाई में तो अच्छे रहें साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी बन सके। ये हैं एक अच्छे साइकोलॉजी प्रोफेसर की क्वालिटीज। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में बात की कि आपको अगर प्रोफेसर बनना है उसके लिए आपको पहले अपना ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कम्प्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना मास्टर्स साइकोलॉजी में कम्प्लीट करना पड़ेगा जिसमें आपको 55% मार्क्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अपनी पीएचडी भी जारी रख सकते हैं।
तो इस तरह एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लेने के कुछ समय बाद आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाता है और उसके बाद आप बन सकते हैं एक साइकोलॉजी प्रोफेसर। ये सब डिपेंड करता है आपके वर्किंग स्टाइल और आपके एक्सपीरियंस पे। तो अगर आपको सच में हेल्पिंग बिहेवियर है, आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तभी आप एक अच्छा करियर एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर बना पाएंगे। साइकोलॉजी प्रोफेसर एक बहुत प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी से भरा पेशा है। अगर आप सिर्फ अच्छी सैलरी की वजह से इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए। और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सजेशन या फिर क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हैं। साइकोलॉजी से जुड़ी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को, और साइकोलॉजिकल फैक्ट हिंदी में पढ़ने के लिए फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज। आपको दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।